Hello, my dear students, a very warm welcome to all of you on the platform of An Academy. And in today's class, we are going to read the second chapter of your NCERT textbook, Women's Book, that is The Adventures of Toto. It's a hilarious, funny story. It's a humorous story about a monkey. We'll read about this in great detail. But before that, let me tell you, let me introduce myself to you. My name is Romana, and this is my code that you all can use in order to avail 10% flat off. Now, something about me. As I told you, my name is Romana. You can connect with me on the An Academy platform. And I have completed my master's from Delhi University in English. And I have been tutoring for several years now. It's been 7 years and I'm thoroughly enjoying the process. ठीक है? और अब हम आज जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो. व्हाट इज द स्टोरी ऑल अबाउट, क्या कैरेक्टर है और हु इज टोटो, व्हाट ऑल एडवेंचर्स, व्हाट ऑल मिस्टीव्स ही डज, वी टॉक अबाउट दैट इन ग्रेट डिटेल. लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं रस्किन बॉन्ड की. रस्किन बॉन्ड कौन है? रस्किन बॉन्ड हमारे इंडियन ऑथर जो ब्रिटिश डिसेंट के हैं, इट्स कॉल्ड एन एंग्लो इंडियन एंड ही लिव्स इन लैंडोर. इट्स इन मसूरी. करेंटली लिव्स इन लैंडोर, दैट्स वेयर ही लिव्स एंड दैट्स फ्रॉम वेयर ही राइट्स. एंड मोस्ट ऑफ दिस स्टोरीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज चाइल्डहुड लाइफ इन द हिल स्टेशंस एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस. सो यस, ही हैज बीन लिविंग इन इंडियन, यू नो, ही इज बीन लिविंग इन द hills and on the mountains. So basically he has spent most of his life and with his adopted family in Mussoorie. I think they also reside in Mussoorie with him. And you know what is special about his writing is that most of his writing is more about villages in India or the rural India instead of writing about anything, you know, that relates to the urban India. तो वो उनकी कहानियां ज्यादातर उनका जो बचपन गुजरा है अपने ग्रैंडफादर के साथ या हिल्स में, तो इनकी कहानियों में हमेशा एक कॉमन एलिमेंट जो आपको दिखेगा वो होगा नेचर लव. जो ये हिल्स, माउंटेन्स, वहाँ की लाइफ, वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग. ब्लू अम्ब्रेला इनकी लिखी हुई एक बहुत ही अमेजिंग शॉर्ट स्टोरी है, बहुत फेमस. एंग्री रिवर इज अनदर वन. इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी है लेकिन हर स्टोरी में कुछ ना कुछ आपको हिल स्टेशन, रेनफॉल, इस तरह की बातें आपको देखेंगी. ठीक है, और अब हम आ जाते हैं स्टोरी पे. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनफैक्ट हम पूरी एनसीईआरटी टेक्स्टबुक कवर करेंगे आज. तो चलिए शुरू करते हैं द एडवेंचर्स ऑफ टोटो. ओके, तो एडवेंचर्स ऑफ टोटो द लगाना जरूरी है. द एडवेंचर्स ऑफ टोटो सिर्फ एडवेंचर नहीं, एडवेंचर्स करता है ये टोटो. और क्या क्या एडवेंचर्स करता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, क्या एडवेंचर्स करता है टोटो हम वो जानेंगे. और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि टोटो है कौन. ठीक है, तो ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर. सो आई बिलीव इट शुड बी टोटो बिकॉज़ टोटो इज अ नेम. फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर सम ऑफ 5 rupees. ओके, 5 rupees. अभी के टाइम में यू विल थिंक दैट ओ 5 rupees इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट. इट्स नॉट. ये जिस वक्त की कहानी है उस वक्त 5 rupees भी बहुत मायने रखते थे. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. सबसे पहले Tonga driver क्या होता है? Tonga हम जिसे घोड़ा गाड़ी कह सकते हैं, जिसमें घोड़े आगे बंधे होते हैं और वो Tonga चलाता है. और अगेन ये किस चीज का फीचर है, ये आपको कहीं अर्बन इंडिया में नहीं दिखेगा, रूरल इंडिया में दिखेगा, विलेजेस में आज भी आपको दिखता है. जैसे हम कई जगहों पर टम टम, घोड़ा गाड़ी ऐसे बोलते हैं. ठीक है, तो वहां इन्हें एक मंकी दिखा जिसका नाम टोटो था. और ये टोंगा ड्राइवर ने उसे रख रखा था अपने पास. और कहाँ बांध कर रखा था? एक फीडिंग ट्रॉफ में. फीडिंग ट्रॉफ क्या होता है? इट्स काइंड ऑफ, यू कैन से इट्स अ यूटेंसिल काइंड ऑफ अ थिंग जिसमें खाना डालकर एनिमल्स को खिलाया जाता है. दैट इज अ फीडिंग ट्रॉफ. एंड द मंकी लुक्स सो आउट ऑफ प्लेस वेयर द ग्रैंडफादर डिसाइडेड that the grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. तो उन्होंने जैसे ही देखा तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये टोटो को यहाँ नहीं रहना चाहिए था. टोटो displaced है, मतलब his real place is not here. The real place of or he has been misplaced kind of. इसकी जगह मेरे zoo में है. इसको देखते ही ये समझ गए
और क्या चीजें थी जो अट्रैक्ट करती है ग्रैंडफादर को इस टोटो की तरफ, वो हम अभी जानेंगे। सो टोटो वाज अ प्रिटी मंकी, ये कौन कह रहा है बच्चों? ये नरेटर कह रहे हैं, जो हमारे नरेटर हैं। ओके, नरेटर यानी कि जो कहानी सुना रहे हैं, और हम अज्यूम करते हैं कि ये रस्किन बॉन्ड है जो अपने ग्रैंडफादर की स्टोरी और टोटो की स्टोरी बता रहे हैं। और वो कहते हैं कि वो एक प्रिटी मंकी था, एक सुंदर खूबसूरत मंकी था। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of a dead often of elderly Anglo-Indian ladies। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ा सा डीप रूटेड है, और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो इस पैराग्राफ को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। दैट यू नो दिस मंकी वॉज वेरी वेरी मिस्टीरियस, ये इसकी आंखों से झलकता था कि ये एक मिस्टीरियस मंकी है। पर्ली वाइट उसकी टीथ थी, दांत जो थे वो पर्ली वाइट थे, बिल्कुल चमक रहे थे, इसका मतलब है मुस्कुरा रहा था, अपनी बत्तीसी दिखा रहा था। और ये ऐसी मुस्कान थी उसकी, ऐसी स्माइल थी जिसने एंग्लो इंडियन लेडीज को बहुत डरा रखा था। वो ग्रिन करता है, ओके, एनिमल्स आपने देखा होगा यूजुअली मंकी हैज अ हैबिट ऑफ ग्रिनिंग एंड स्माइलिंग इन अ मैनर के वो अभी आके कुछ पकड़ने वाला है, लेने वाला है, आपके हाथ से कुछ चिप्स का पैकेट हो, बिस्किट हो, वो छीन कर भाग जाएगा। दिस इज हिज नेचर, इनहेरेंट नेचर। तो वो जैसे ही एंग्लो इंडियन लेडीज को देखता था और वो बिल्कुल डर जाती थी उससे। But his hand looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. देखिए पिकल क्या होता है, अचार, अचार समझते हैं आप, पिकल पिकल यू नो, चाहे वो आम का हो या लेमन का हो, हम उसे क्या करते हैं, हम उसे धूप में रखते हैं ताकि वो ड्राई हो सके। तब ऐसे यही प्रोसेस है अचार बनने का, पिकल बनने का। तो उनके उसके हाथ इतनी ज्यादा ड्राई हो चुके हैं, जैसे कि पिकल हो जाते हैं ना ड्राई, वैसे लग रहे थे कि बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट, हाँ ये उसके हाथ ड्राई तो थे लेकिन उसके फिंगर्स बहुत ही क्विक थे और विकेट थे। विकेट क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ खुराफाती करते रहते थे। एंड हिज टेल व्हाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक। और ग्रैंडफादर का क्या मानना था कि टेल जो है वो एक एनिमल की खूबसूरती को इनहेंस करता है और बढ़ाता है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, तो थर्ड हैंड मतलब इसके दो हाथों से तो ये मिसचीज करता ही था। अब आप देख सकते हो जैसे ये अपने टेल के सहारे लटका हुआ है। दिस इज नॉट टोटो, आई एम जस्ट टेलिंग यू एन एग्जांपल, आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि मंकी ऐसे भी अपने टेल को यूज करते हैं कुछ कुछ एक्स्ट्रा कर एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व करने के लिए। ठीक है, ओके, लेट्स प्रोसीड। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, जैसा भी हमने देखा, एंड इट वाज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटोस प्रेजेंट शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वाज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। तो कहा ये जा रहा है कि ग्रैंड मदर जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी कि टोटो हमारे घर में आए, और ग्रैंड फादर जब लेकर आए टोटो को, दोनों ने डिसाइड किया कि मैं ये बात ग्रैंड मदर को नहीं बताऊंगा क्योंकि शी विल अगेन बी वेरी अपसेट एंड एंग्री, और तब तक बताऊंगा जब तक उनका मूड बिल्कुल सही ना हो जाए। ठीक है, ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट। क्लोजेट क्या होता है, एक तरह का अलमेरा, कबर्ड कह सकते हैं आप। ओके, वहां रखा गया टोटो किसके रूप में, नरेटर के रूप में, याद रखिएगा। वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, और सो वी थॉट, हमें ऐसा लगा कि हमने उसे सिक्योरली बंद कर दिया है, टू अ पेग फैसनड इनटू द वॉल। पेग क्या होती है, एक तरह की कील जो आप कहते हैं, जो पिन होती है, उससे उसे बांध कर रख दिया गया वहां पर। अ फ्यू आवर्स लेटर When grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster. मतलब पूरी दीवार से उसने क्या किया, ये जितना भी ornamental paper, ये decorative paper था, उसे वहां से निकाल दिया। And now the
वॉल इज जस्ट ब्रिक एंड प्लास्टर, जो भी डेकोरेटिव आइटम था जो जिससे इन्होंने डेकोरेट किया था अपने वॉल को, वो वहां से निकल चुका है और ये किसका काम है, ये काम है टूटो का। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड, रेंच्ड मतलब निकाल, बिल्कुल निकाल दिया गया है अपनी सॉकेट से, और उसका जो स्कूल ब्लेजर है नरेटर का, वो वहां से बिल्कुल वॉज इन श्रेड्स, मतलब बिल्कुल टुकड़ों टुकड़ों में बट चुका है वो, बिल्कुल नहीं बचा। ऑलराइट, I wondered what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. So ये appreciate कर रहे हैं कि grandmother तो नाराज होंगी तो होगी, पर ये काफी smart है, he's clever. Okay, so he's quite fascinated. We all should also ponder and we should also kind of analyze कि grandfather जो है वो काफी खुश है Toto के performance पे, उन्हें गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा Toto पे. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces to your blazer in a rope and made his escape from the window. और इनका क्या मानना है कि अगर उसे वक्त मिलता तो ये यहाँ से चला जाता, फरार हो जाता, निकल जाता, कैसे उन ब्लेजर के जो पीसेज हैं उसे क्या करता, वो एक रोप में बांधता, उसके उसके थ्रू एक रोप बनाता उस ब्लेजर को, और उसके बाद वो खिड़की से बाहर चला जाता, वो इतना स्मार्ट है। His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfather's pets lived. ठीक है, grandfather के और भी जो pets थे, वो वहाँ रहते थे. Big बड़े cage में उसे transfer किया गया और भेज दिया गया. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. तो उसे ट्रांसफर तो किया गया, लेकिन उस वहां पे और कौन कौन था इस जू में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एंड दिस आल्सो कम्स इन योर एग्जामिनेशन, दैट अ टॉर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, टेम स्क्विरल, यानी कि टेम कर देना, उसे पालतू बना लेना, पेट बना लेना। तो स्क्विरल आर नॉट सपोज टू बी टेम्ड, दे आर नॉट द वंस हु कैन स्टे एट वन प्लेस, यूजुअली दे आर नॉट केप्ट एज अ पेट, बट दिस वाज टेम्ड For a while, my pet goat. ठीक है, और इतने सारे animals थे वहाँ पे, नोट कर लीजिएगा कौन कौन से animals थे। But the monkey wouldn't allow, और कि जो monkey है वो इतना शरारती, इतना mischievous था Toto की, इनमें से किसी को भी वहाँ पे चैन से रहने नहीं दे रहा था। So grandfather who had to leave Dehradun next day, तो next day जाना था in grandfather को Saharanpur, क्यों जाना था, अपना pension collect करने के लिए। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं Toto को लेकर जाऊंगा, वरना ये जो सीक्रेट है ये सीक्रेट नहीं रह जाएगा, ग्रैंड मदर को जरूर पता चल जाएगा कि Toto ने क्या बदमाशी करी। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकॉम्पनी ग्रैंड फादर ऑन दैट ट्रिप, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर Toto, दिस वॉज सम स्ट्रॉ एट द बॉटम became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. Toto remained in the bag for as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. Now, this entire episode is very important. Let me tell you, this episode of Saharanpur, इसे कहा जाता है कि Saharanpur episode में क्या हुआ, वो narrate करें, बताएं. Well, you will start with explaining उसे कैसे carry किया गया. तो उसके लिए Toto के लिए एक बिग ब्लैक कैनवस किट बैग जो होता है बड़ा सा, उसमें रखा गया Toto को, और इस बैग में कोशिश किया गया कि उसे ऐसे रखा जाए कि वो पता ना चले कि इसमें मंकी है, पर ऑब्वियस सी बात है कि ये मंकी बड़ा ही शैतान था और वो बिल्कुल उसमें नहीं रह रहा था, और ये इतना स्ट्रॉन्ग बैग था कि उसे वो बाइट नहीं कर सकता था और उसे काट कर निकल नहीं सकता था, वरना वो निकल जाता, वो निकल नहीं पा रहा था, लेकिन वो उछल कूद जरूर कर रहा था, वो इतना जंप कर रहा था बैग के अंदर से कि लोग अट्रैक्ट हो जा रहे थे और उसे बार बार देखने लग रहे थे। उसे क्वाइटली रहना चाहिए था ताकि वो पकड़ाए नहीं, उसे पता नहीं चले किसी को कि इसके अंदर कुछ है कोई है, पर वो चुप नहीं रह सकता था। He was so notorious, he was so mischievous that he was jumping occasionally, बीच बीच में वो उछल रहा था कि मुझे बाहर निकाल लो।
और देहरादून रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे काफी इसने बदमाशी करी, बहुत मिस्टेक्स किए। टू टू रिमेन इन द बैग, और वो सहारनपुर तक रहा बैग में, लेकिन उसने एक और हरकत कर दी, एक और शैतानी क्या करी उसने कि जब ग्रैंडफादर अपना टिकट दिखा रहे थे, टर्नस्टाइल क्या होता है आपने देखा होगा, बाहर एग्जिट करने के लिए एक टर्नस्टाइल होता है जो टर्न करके उसमें आप ऑटोमेटिकली टिकट, कई कई जगह पे तो ऑटोमेटिक होता है और कई जगह पे आप जब इस पर टिकट पंच इन करते हो तो बाहर निकलने का वो रास्ता होता है, बेसिकली टर्नस्टाइल जैसा वो बना होता है, आप उसमें एंटर करोगे और आपको वन 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 बाई वन करके निकलना होता है, आपने देखा होगा कई जगह पे। इट्स काइंड ऑफ अ गेटवे काइंड ऑफ अ थिंग। सो ही वाज स्टैंडिंग देयर, और जैसे ही ये टिकट कलेक्टर को अपना टिकट दिखा रहे थे तो बूढ़ों ने क्या किया, अचानक से बैग से अपना चेहरा जो है, जो हेड है, उसे पोक आउट कर दिया, बाहर निकाला, पोक किया और बस, और मुस्कुरा दिया अपने टिकट कलेक्टर को देखकर, वो हंसने लगा। और जैसे ही उसने अपने दांत दिखाए तो टिकट कलेक्टर ने क्या बोला कि सर यू हैव अ डॉग विद यू, आपके पास डॉग है, यू हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि आपको, आपके पास एक डॉग है, आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ बैग, इन वेन ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन अ क्वाड्रूट। टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 रुपीज वाज सम हैंडेड ओवर एज फेयर। तो उसने कहा कि आपको पे करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली किसी तरह से बातचीत करते करते इन्होंने कहा कि ठीक है चलो ये डॉग तो नहीं है पर तुम्हें मैं 3 रुपए उन्हें देने पड़े, क्योंकि उसने अपनी शक्ल दिखा दी ना टिकट कलेक्टर को, तो अब तो देने पड़ेंगे। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आर पेट और टॉयज एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइस, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look, said, "No, child, it is not a dog." When Toto was finally accepted by grandmother, all right. So then he said कि नहीं, tortoise qualify नहीं होता है dog की तरह। तो ultimately he was quite adamant कि नहीं ये dog है, आपका जो monkey है वो dog है, ये monkey नहीं है dog है। Okay. So he was kind of, this was kind of a joke that he made, or maybe it was kind of a, you know, a remark on him. और ग्रैंडफादर ने भी कहा कि चलो बताओ ये टॉर्टोइस का कितना लोगे, फिर तुम हर एनिमल का पेमेंट ले रहे हो तो टॉर्टोइस का कितना लोगे, बट देन ही डिड नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर इट बिकॉज़ इट वाज प्रीटी स्मॉल, नो चार्ज, इट्स नॉट अ डॉग। चलिए अब कहानी कहाँ आती है, एक सेकेंड एपिसोड आता है, ये सहारनपुर एपिसोड हो गया। अब कहानी कहाँ पहुंची, जहाँ ग्रैंड मदर जो है उनको अब पता चल चुका है कि घर में हमारे कौन है, टोटो। ठीक है, टोटो हमारे साथ रहता है, इन्हें पता चल चुका है। Now, he was given a comfortable hole in the stable. Stable यानी कि जहाँ horses रहते हैं, okay? वहाँ इसे रखा गया, और इसके साथ कौन था, फैमिली डोंकी है ना, फैमिली डोंकी था जो कि नाना, इसका नाम नाना था। On Toto's first night in stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. तो पहली जो नाइट थी जब उसे स्टेबल में रखा गया, तो ग्रैंडफादर जाकर देख रहे थे कि क्या ये सही से रह रहा है, सो रहा है, नहीं सो रहा है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। ग्रैंडफादर गिव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हंजेस एंड शी जर्क बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग इयर्स विद हिज शार्प टीथ। Toto and Nana never became friends. A great treat for Toto during cold winter evenings was. Okay, now, so till here, Nana episode क्या होता है? Nana कौन है? Family donkey है. इसके साथ share किया गया है Toto को, या Toto जो है Nana के साथ रहेगा। Toto खुश है. Toto वहाँ पे अपनी mischiefs बंद नहीं करता, पर Nana को अपनी शांति चाहिए। नाना जो है वो बिल्कुल अपना जो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो उसका जिनका जो हॉल्टर है, हॉल्टर क्या होता है, गले में बांधने वाला जो एक पट्टा बोलते हैं जिसे, या जो बेल्ट होता है वो है। ओके, वो अपने पार्ट यू नो हॉल्टर को खींच रही है वो देखते हैं, और अपना सर जो है वो बंडल ऑफ से काफी दूर रखने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि शायद उसे अच्छा नहीं लग रहा ये टोटो के साथ जो उसे क्लब कर दिया गया है, ये उसे पसंद नहीं आ रहा। और तभी नाना ने उसे क्या किया, उसे वो स्लैप्स दिए कि यू नो, एंड शी जर्क बैक, वो वापस पीछे चली गई
और टोटो को भी खींचती हुई चली गई, पर उसके बाद वो कभी दोस्त नहीं बन पाए उनके बीच, कभी भी कॉमरेडरी नहीं हुई और कभी वो पीसफुली नहीं रहे। ओके, अ ग्रेट डील टू टोटो ड्यूरिंग विंटर। अब एक और नया एपिसोड है, ये कौन सा एपिसोड है? बाउल ऑफ वाटर का। टोटो को नहाना बहुत पसंद था, गर्म पानी में बहुत मजा आता था टोटो को। तो उसने क्या किया कि ग्रैंडमदर ये क्या करती थी, उसके लिए पानी गर्म करती थी और ये उसमें आराम से बेदिंग करता था। He would cunningly test the temperature with his hand. This is very funny. How would he test the temperature of this bowl? He would first touch it with his finger hand, then gradually step into the bath. मतलब धीरे-धीरे एक पैर रखा, फिर दूसरा पैर रखा, फिर उसमें चला गया। Okay. Once comfortable, जब उसे लगा कि हाँ टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है, तो वो पूरी तरह से उसमें सबमर्ज हो जाता था, ठीक है, जब तक अपने नेक तक भर ना ले। उसके बाद ही वो टेक द सोप इन हिज हैंड्स एंड रब हिमसेल्फ ऑल अराउंड, ठीक है, और धीरे धीरे जैसे ही ठंडा होता था पानी, उसे जल्दी से दौड़ता हुआ भागता था और किचन फायर के पास जाकर अपने आप को ड्राई कर लेता था। मतलब बिल्कुल फनी सा ये इंसिडेंट है, बिल्कुल फनी सा एपिसोड है अगर आप समझोगे तो। वो खुद को जैसे धीरे धीरे नहाता था, मतलब उसे बहुत ठंड लगती थी इसका मतलब है, और जल्दी से नहाकर वो भागता था वहां पे किचन फायर के पास। If anyone laughed at him during the performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. और अगर किसी ने गलती से देखकर इसे हंस दिया, तो फिर Toto नहाने से इनकार कर देता था कि अब मैं आज नहीं नहाने वाला। One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. अब ये क्या हुआ? एक और काम किया इसने, खुद को वो जलाने जलते जलते बच गया। Large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto. And Toto, finding himself with nothing better to do, decided to move the lid and bought it. उसने kettle को देखा कि boil हो रहा है उसमें, और वो उसमें जाकर उसने देखा कि अरे वाह boiling water है, वो उसमें जाकर घुस गया और अपने चेहरे को बाहर निकाल कर रखा हुआ था उस kettle से, ठीक है। थोड़ी देर तक तो उसे बड़ा मजा आया, ठंड का टाइम था तो गर्म गर्म फीलिंग आ रही थी, बड़ा मजा आया था उसे। लेकिन जैसे ही पानी बॉइल होता चला गया, वो क्या करता, खुद को बाहर निकालता, फिर बाहर निकालता तो ठंड लगने लगती, फिर अंदर घुस जाता। तो वो कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चल रहा था कि वो अपना चेहरा बार बार बाहर निकाल रहा है और अंदर जा रहा है। ओके, तब तक वो ऐसा करता रहा जब तक ग्रैंड मदर ने फाइनली आकर उसे उस केटल से बाहर नहीं निकाला, क्योंकि वो जंप नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल बॉइलिंग वाटर से अगर वो ठंड में आता तो उसे बहुत जोर की ठंड लगती अचानक टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, और ग्रैंड मदर ने फिर फौरन आकर उसे बचा लिया। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। तो ये कह रहे हैं कि टोटो का सबसे ज्यादा जो एक्टिव पार्ट था, जो सबसे ज्यादा डिवोटेड था मिस्चीफ में, ओके, अगर दिमाग का कोई ऐसा पार्ट है, इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, वही पार्ट सबसे ज्यादा है टोटो के पास। ही वाज ऑलवेज टियरिंग थिंग्स इनटू पीसेस, व्हेनेवर वन ऑफ माय आंट्स केम नियर हिम, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ अ ड्रेस एंड टियर अ होल इन इट। तो जैसे ही कोई कपड़ा उनके साथ उसके सामने आता था, कोई आंटी आती थी, उनका कपड़ा अगर उसके हाथ लग गया तो फिर वो बिना उसने होल किए उसे छोड़ता नहीं था। Okay, one day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. अब ये नया एपिसोड है, एक और मिस्टीम ऐड हो रहा है। डाइनिंग टेबल पे पुलाव लाकर रखा गया। जैसे ही सारे लोग रूम में इंटर करते हैं तो देखते हैं कि टोटो जो है वो आराम से खाना उसने शुरू कर दिया है राइस को। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। जब ग्रैंड मदर चिल्लाई तो उसने क्या किया, इसने प्लेट को थ्रो कर दिया। बता देती हूँ कि मंकी जो होते हैं वो ऐसे कोई लॉयल या फेथफुल एनिमल नहीं है। डॉग है जो अपने मास्टर को के लिए फेथफुल होता है या उन्हें देखकर वो अलग रिएक्ट करता है, लेकिन मंकी जो है वो हमेशा बदमाशी रहता है। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि अपने मास्टर को देखकर वो सीधा हो जाएगा या बैठ जाएगा, उन्हें भी वो प्लेट फेंक कर ऐसे उनके ऊपर फेंक देता है। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। तो जब दूसरी उसकी आंट है वो आगे बढ़ने की कोशिश करी कि रोके या उसे बचाए, तो उसके ऊपर उसने ग्लास ऑफ वाटर फेंक दिया। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो। और जैसे ही वो ग्रैंडफादर पास आने लगे तो वो खिड़की से निकलकर बाहर चला गया। ही फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री
डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और ये डिश लेकर गया था वहां पर, छोड़ के नहीं गया था पुलाव को. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. बिल्कुल तोड़ दिया इसने उस डिश को, और grandmother को you know तंग करने के लिए, चिढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए इसने ऐसा किया. Obviously, Toto was not the sort of pet we would keep for long. ये बहुत important statement है बच्चों, और इस पर बहुत सारे questions आते हैं कि ऐसा क्यों कहा author ने कि Toto was not the sort of pet we would keep for or we could keep for long. एक ऐसा pet क्योंकि वो बहुत नुकसान करता था. He would break things on and off. आए दिन कुछ ना कुछ नुकसान करता था. It was very difficult to keep him at home. Because they were not very affluent, they belonged to a middle class family, और इनके लिए इतना ज़्यादा हर नुकसान को सह पाना you know affordable नहीं था. Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. So grandfather decided to return him. So he found the tonga driver and sold Toto back to him only for ओनली 3 rupees. तो 5 रुपए में खरीदा, 3 रुपए में बेच दिया, 2 रुपए का नुकसान हुआ, और साथ साथ बहुत सारी चीजों का भी नुकसान हुआ, क्योंकि टोटो एक ऐसा शैतान मंकी था जो जिसने बहुत सारी चीजें तोड़ी. बहुत ही वाज वेरी नॉटी, वाज वेरी मिस्चीवियस, एंड अल्टीमेटली टोटो को बाय बाय बोलना पड़ा हमें, कि टोटो बहुत मिस्चीवियस था एंड ही कुड नॉट बी हैंडल्ड बाय एनीवन. तो वी हैव टू रिमेंबर दिस एंटायर story in different episodes. बहुत सारे episodes हैं. सहारनपुर episode है, then the episode with Nana, the episode with the boiling water, the episode with bathing process, then the episode with the last part of the pulao part, after which it was finally decided that we'll have to let go Toto, we can't have him more in the house. ठीक है, तो episodes में याद रखेंगे तो ये पूरी story आपको याद रहेगी ना. This was all about the adventures of Toto. मैंने आपको important questions भी बता दिए, क्या क्या questions आ सकते हैं, episodes के basis पे questions आएंगे. Now let's quickly talk about Unacademy plus features. Unacademy का जो plus subscription है बच्चों, it's a fantastic you know subscription for you, और जिसमें कि आपको live learning तो definitely मिलती है. Apart from that, there are several other features where you get unlimited access to all the courses, जितने भी courses हैं वो आपको एक साथ, आपने जो एक बोर्ड खरीदा, आपने एक बोर्ड जो आप सब्सक्रिप्शन जिस एग्जाम का लेते हो उसके साथ जितने भी courses आते हैं वो आपको मिल जाते हैं. टॉप एजुकेटर्स हैं डेफिनेटली, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, सिलेबस का कवरेज हो जाता है, मेंटोरशिप गाइडेंस हो जाती है, स्टडी मटेरियल मिलता है, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट, बैच कोर्सेज, सब कुछ. ठीक है, प्राइसिंग ये रही. कोड आपको क्या यूज करना है, कोड आपको Romana10 यूज करना है, जो कि मेरा कोड है Romana10. ओके, डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड. Romana इज माय नेम एंड 10 इज द कोड दैट यू अप्लाई टू गेट द 10% ऑफ ओवर हियर. नाउ कमिंग टू द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फीचर्स, दिस इज वेरी मच सिमिलर, बट इट ऑल्सो हैज गॉट सेवरल एडेड यू नो सम एडेड एक्स्ट्रा फीचर्स हियर. Where you get a personal mentor, and if you want to learn from one single mentor, जैसे आपने सोचा कि मुझे Romana मैम से पढ़ना है, तो आप अपने mentor को चुन सकते हैं और उनके साथ one-on-one session ले सकते हैं. Live doubt solutions मिल जाता है आपको, आपकी weekly report मिल जाती है, parents connect मिल जाता है, study planner है, सारे benefits हैं Unacademy के subscription के. ठीक है, और इसके लिए भी code आपको क्या use करना है, Romana10 use करना है. ठीक है, जब भी आप कोई सब्सक्रिप्शन लें ये कोड यूज करें, भले ही मुझसे पढ़े या किसी और ट्यूटर से पढ़े, कोड ये आप यूज कर सकते हैं जब भी आप कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो. और ये आपकी यू नो प्राइसिंग किस तरह से ये रिड्यूस हो जाएगी, आपको कैसे 10% का ऑफ मिल जाएगा 3 months, 6 months, 12 months, 15 months के लिए, 18 months, 24, 36, 48, जिस भी मंथ के लिए आपको लेना है, जितने भी मंथ के लिए आप ले सकते हैं. ठीक है, और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो इफ यू हैव एंजॉयड द स्टोरी, इफ यू अंडरस्टूड द स्टोरी. आई होप आप इस सेशन के बाद इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर पाए. हमने लाइन बाय लाइन तो पढ़ ली है, मैं कोशिश करूंगी कि आपको, आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल. ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एवरीबॉडी.